खबर अलवर से है, जहां पेपर प्रिंटिंग को लेकर एक बार फिर अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी चर्चा में है। पूर्व में ज्योग्राफी फाइनल ईयर के एग्जाम का पेपर वर्ल्ड लेवल और एशिया लेवल दोनों ही तरह से प्रिंट होना था, लेकिन पेपर सिर्फ एक तरह से ही प्रिंट हो पाया। वहीं एक बार फिर कॉमर्स सेकेंड ईयर के एग्जाम का पेपर मिस प्रिंटिंग की वजह से रद्द कर दिया गया था, जो कि आगामी मई 29 मई को निर्धारित किया गया। परीक्षा प्रभारी लखन यादव ने पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस घटना की बारीकी से जांच करने के लिए कुलपति द्वारा जांच कमेटी बना दी गई है, जो कि प्रिंटिंग के मामले की गहनता से जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है, एक पेपर होना था बीकॉम पार्ट सेकंड का कंपनी लॉ, लेकिन उसकी जगह पेपर एग्जामिनर ने बिजनेस लॉ का पेपर बनाकर दिया, जिसको कि आगे जाकर वापस वही प्रिंट हुआ और बच्चों के पास वो पहुंच गया, जिसको कि अभी रद्द कर दिया गया है और उसकी परीक्षा दोबारा 29 मई को निर्धारित की गई। इन्वेस्टिगेशन अभी जांच कमेटी बना दी गई है माननीय कुलपति महोदय द्वारा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही आपको बता पाऊंगा।